तो जब भी मैं अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो की फिल्म, वेब सीरीज या एनिमेशन की वीडियोस लेकर आता हूँ, तब एक सवाल हमेशा से ही घूम घूम कर आते रहता है कि आपने शक्तिमान का जिक्र तक नहीं किया, या फिर क्या आपको शक्तिमान की आने वाली ट्रायोलॉजी के बारे में नहीं पता एक्सेट्रा। अब देखो भाई, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी दिन की शुरुआत ही सुपर हीरो एनिमेशन, फिल्म, कॉमिक्स या वेब सीरीज की न्यूज नोटिफिकेशन से होती है, जिसे मैं इत्मीनान से निपटाले में पढ़ते रहता हूँ। फिर दिन भर ऑफिस के काम के बीच बीच में एकाध फिल्म या वेब सीरीज भी निपटा देता हूँ, या फिर उससे रिलेटेड यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ। तो होल डे कुछ न कुछ मेरे आमने सामने ये सब चीजें घूमते रहती है, जिसके कारण मैं इन सब चीजों से काफी अपडेटेड रहता हूँ। और इन सब के बीच से शक्तिमान जैसे पॉपुलर टॉपिक मिस हो जाए, इसका तो बस उतना ही चांसेस है जितना हॉकआई का निशाना चूक जाए। तो सारे डाउट्स और सवालों का जवाब देता आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखे दोस्तों। और अगर आप में से कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी पॉज कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। सबसे पहले मैं बता दूं कि अब तक मैं क्यों शक्तिमान ट्रायोलॉजी फिल्म के बारे में कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। उसका सबसे बड़ा रीजन था लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लास्ट ईयर अक्टूबर में जब खुद शक्तिमान के क्रिएटर मुकेश खन्ना जी ने ये अनाउंस किया था कि वो जल्द ही शक्तिमान की फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी और अब तक के सारे इंडियन सुपर हीरो से भी ज्यादा भव्य होगा, और ये फिल्म तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, मींस ये होगा शक्तिमान ट्रायोलॉजी। और इस हिमालयन प्रोजेक्ट के लिए वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी हाथ मिला चुके हैं, और साथ में ये भी कमिट किया था कि आने वाले समय में धीरे धीरे आपको इससे रिलेटेड अपडेट दिया जाएगा। और ये सुनकर बाकियों की तरह मैं भी खुश हो गया था और कुछ डेडिकेटेड वीडियो भी प्लान कर लिया था जिसमें मैं आज के ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सामने रख सकूं। पर उसके लिए जाहिर है मुझे थोड़े और न्यूज और अपडेट्स की जरूरत थी जिससे वीडियो थोड़ा और एक्यूरेट बने। पर अपडेट्स का वेट करते करते एक महीना बीत गया, फिर नया साल आ गया, और फिर नया साल भी आधा गुजर गया, और अब वो नया साल भी नए साल में एंटर होने जा रहा है, बट अभी तक शक्तिमान ट्रायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज या अपडेट सुनने नहीं मिला। वैसे कुछ दिन पहले ही एक यूट्यूब वीडियो पर खुद मुकेश खन्ना जी ने कमेंट कर एक बार फिर से ये बोला कि वो जल्द ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं विद इन 1 or 2 weeks में, पर उस कमेंट को भी अब एक महीने से ज्यादा होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस कमेंट पे भी रिएक्ट करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब देखो, यहाँ मुझे ये समझ में आता है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, खास तौर पे जहाँ VFX टाइप की चीजें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन प्री प्रोडक्शन के दौरान ही होता है, और फिर उसके बाद बजट डिसाइड होता है, स्टूडियो से बात किया जाता है जो उनके बजट के अंदर काम कर सके, और भी ऐसे बहुत कुछ। और इसी बीच अगर किसी चीज पे सहमति ना बने तो प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाता है, जैसे इमॉर्टल अश्वत्थामा के केस में हुआ था। फिर भी अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो 6 months इज मोर देन इनफ होता है। जैसे अगर इमॉर्टल अश्वत्थामा को ही ले लें तो इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था 11 जनवरी 2021 को। फिर उसके बाद समय समय पे कुछ इंटरनल न्यूज भी सामने आती रहती थी, और फिर बढ़ते बजट को देखते हुए अगस्त में ही ये डिक्लेयर कर दिया गया कि VFX के हैवी बजट के कारण फिलहाल ये प्रोजेक्ट बंद किया जा रहा है। और ये सब तब हुआ जब इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, इसका स्क्रिप्ट रेडी था, इसके VFX के लिए स्टूडियो से भी एग्रीमेंट हो चुका था, और इन सब प्रोसेस में ऑलमोस्ट 30 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे ही अपडेट्स की उम्मीद रहती है। वैसे ये तो चलो फेल हो गया, इसलिए इनके अपडेट्स का एक्चुअल में कोई फायदा नहीं हुआ, पर इस तरह के न्यूज अपडेट्स से फिल्म को ही काफी एडवांटेज मिलता है। आपने अक्सर ये सुना या देखा होगा कि किसी शूट के लोकेशन की इमेज लीक हो गई, या फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बाहर आ गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो अक्सर फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान होते रहती है। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं फिल्म के लिए हाइप ही क्रिएट करती है, जो फिल्म के लिए अच्छा ही होता है। और शक्तिमान के ट्रायल में ये सारी चीजें पूरी तरह से मिसिंग है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये खबर पूरी तरीके से झूठी है या फिर मुकेश खन्ना जी ने ऐसे ही पोस्ट कर दिया था, तो नहीं, कम से कम इतनी बड़ी शख्सियत ऐसा नहीं कर सकते, खास तौर से तब जब उन्हें पता है कि उनका एक ट्वीट भी किसी भी न्यूज की हेडलाइन बन जाती है, तो कोई ऐसा करके डेफिनेटली लोगों का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेगा। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट काफी जल्दबाजी में किया गया था, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में काफी लोगों ने इसके ही बेस पे न्यूज और वीडियो बना डाला।
डाला और कुछ लोगों ने तो इसका रिलीज डेट भी अनाउंस कर डाला कि शक्तिमान ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म 2024 को रिलीज होगी। तो यहाँ ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में कई बार लोग इस तरह की गलती करते हैं और एक फेक न्यूज एड ऑन होते रहता है। इससे पहले भी 3D एनिमेटेड सीरीज का अनाउंसमेंट भी काफी जल्दबाजी में किया गया था, हालांकि इसके अनाउंसमेंट के लिए बाकायदा कॉमिक कॉन का प्लेटफॉर्म यूज किया गया था, पर एनिमेशन की क्वालिटी से ही समझ में आ रहा था कि उस 3D फुटेज को केवल अनाउंसमेंट के लिए ही जल्दी जल्दी में बनाया गया था। तो अब तक के घटनाक्रम को देखते हुए आप ये समझ गए होंगे कि फिलहाल तो हम इस न्यूज से खुश नहीं हो सकते, बट यस, अगर आने वाले कुछ समय में जब इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो डेफिनेटली हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आज भी शक्तिमान एक ऐसा इंडियन सुपर हीरो है जिससे शायद हर इंडियन बहुत ही अच्छे से परिचित है, और अगर इसकी फिल्म आती है तो डेफिनेटली काफी लोग इसे सपोर्ट करेंगे। एंड हु नोस कि शक्तिमान एक बार फिर से वही रिकॉर्ड बना दे जो 90s के समय में इसके सीरियल ने बनाया था। अब ये सब तो हमारा पॉजिटिव होप है, जो पूरा कब होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या शक्तिमान की ये फिल्म आएगी या फिर पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी बस अनाउंसमेंट तक ही सीमित रहेगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी सुपर हीरो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।